हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर किसी क्रॉप में सिर्फ बायो फर्टिलाइज़र्स ही यूज़ किया जाए, केमिकल फर्टिलाइज़र न यूज़ किया जाए, तो क्या वो क्रॉप हेल्दी रहेगी या ऐसा हो सकता है कि वो क्रॉप हेल्दी ना रहे। तो बायो फर्टिलाइज़र और केमिकल फर्टिलाइज़र दोनों का अपना अपना यूज़ होता है। जो फार्मर्स होते हैं वो जनरली केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, क्योंकि बायो फर्टिलाइज़र्स के बारे में उतनी ज़्यादा जानकारी भी नहीं होती, और बायो फर्टिलाइज़र्स में ये होता है कि उसमें टाइम लगता है, तो केमिकल फर्टिलाइज़र्स का रिज़ल्ट जल्दी दिखता है। इसलिए जो फार्मर्स होते हैं आमतौर से केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। लेकिन बायो फर्टिलाइज़र और केमिकल फर्टिलाइज़र दोनों में डिफरेंस ये होता है कि बायो फर्टिलाइज़र आपके सॉइल को बेहतर कर देता है, आपके सॉइल को ज़्यादा फर्टाइल कर देता है, और जो केमिकल फर्टिलाइज़र होता है वो केमिकल फर्टिलाइज़र आपके प्लांट के अकॉर्डिंग उसको न्यूट्रिएंट मटेरियल प्रोवाइड कर देता है और वो आपके प्लांट में ग्रोथ अच्छा हो जाता है। तो अगर सही तौर पर देखा जाए तो इन दोनों का यूज़ करना ज़्यादा सही होता है कि बायो फर्टिलाइज़र भी यूज़ किया जाए और केमिकल फर्टिलाइज़र भी यूज़ किया जाए। दोनों की अपनी अलग अलग क्वांटिटी होगी कि किस क्वांटिटी में यूज़ किया जाए। एक्सेस अमाउंट में अगर आप बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो वो भी हार्मफुल हो जाएगा, और अगर एक्सेस अमाउंट में आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो उससे भी पॉल्यूशन वगैरह हो जाता है, तो वो भी हार्मफुल होता है। लेकिन बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करना बहुत ज़्यादा सेफ़ होता है केमिकल फर्टिलाइज़र के कंपैरिजन में। ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा तो उससे आपके सॉइल में कुछ प्रॉब्लम आएगी, आपकी सॉइल की फर्टिलिटी ज़्यादा टाइम तक मेंटेन रखता है जो बायो फर्टिलाइज़र होता है वो। और बायो फर्टिलाइज़र से और भी किस तरह के हार्म नहीं होते, नुकसान नहीं होते, पॉल्यूशन वगैरह का खासकर केमिकल फर्टिलाइज़र की तरह डर नहीं रहता, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र में सॉइल पॉल्यूशन का भी डर रहता है, वाटर पॉल्यूशन का भी डर रहता है, एयर पॉल्यूशन का भी डर रहता है, इन सभी का डर रहता है। तो सही तरीका अगर देखा जाए तो उसमें दोनों ही यूज़ किया जाना चाहिए। बायो फर्टिलाइज़र सॉइल में यूज़ किया जाना चाहिए ताकि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाए, और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर कुछ थोड़े बहुत केमिकल फर्टिलाइज़र भी यूज़ किए जाएँ तो उससे ज़्यादा अच्छी ग्रोथ रहेगी अगर दोनों को यूज़ किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।